नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री आप सभी के साथ और आज हम बात करने वाले हैं खजुराहो मंदिर के बारे में। आई एम श्योर कि आप सभी ने मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम शामिल है, लेकिन आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी, क्या है इसका रहस्य, किसने इसे बनवाया और क्या है इसका इतिहास, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, लेकिन हम सब के मन में मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि आखिर खजुराहो का निर्माण किसने, कैसे और क्यों कराया था। तो आज हम आपको इसके इतिहास से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद है। एक ब्राह्मण मंत्री की सुंदर कन्या हेमावती काम के आवेश से व्याकुल होकर स्नान करने के लिए सरोवर में गई थी। तभी चंद्र देवता आकाश से प्रकट हुए। वो हेमावती के सौंदर्य से इतने मोहित हुए कि धरती पर आ गए। चंद्र देवता ने उसकी सुंदरता का बखान करते हुए हेमावती को अपने आलिंगन में ले लिया। ब्रह्म मुहूर्त में जब वो जाने को हुए तो हेमावती ने अपना कौमार्य भंग करने के लिए उन्हें श्राप देने का भय दिया। इस पर चंद्र देवता ने हेमावती से कहा, हे देवी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, तुम सुंदर ही इतनी हो कि मैं मोहित हो गया, पर हे प्रिय, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न रहिए, क्योंकि इस संयोग से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो अजय क्षत्रिय वीर होगा। उसका शासन चहुं ओर होगा, उसकी कीर्ति का हर कोई गान करेगा और उससे हजारों राज्यवंश निकलेंगे। वो जो यज्ञ कराने के बाद मंदिर बनवाएंगे, उससे आपका पाप नष्ट हो जाएगा। समय के साथ हेमावती ने पहले कालिंजर और फिर कर्णावती यानी आज की केन नदी के किनारे शरण ली, जहां उसने चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा के समान तेज और चंद्रमा के ही समान ताकतवर पुत्र को जन्म दिया। चूंकि वो चंद्रदेव के प्रताप से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उसका नाम चंद्रवर्मन रखा गया। चंद्रवर्मन के जन्म के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति उपस्थित हुए और उन्होंने चंद्रवर्मन की कुंडली बनाई। चंद्रदेव भी इस शुभ अवसर पर अवतरित हुए और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। महज 16 साल की उम्र में चंद्रवर्मन इतने बलशाली हो गए कि उन्होंने एक पत्थर से एक शेर और लकड़ी से दूसरे शेर को मार डाला। ये सुन चंद्रदेव अपने पुत्र के प्रताप से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने चंद्रवर्मन को एक पारस पत्थर देकर उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया। पारस पत्थर से चंद्रवर्मन के पास धन बल भी खूब हो गया। समय के साथ चंद्रवर्मन बड़े होते गए। फिर तय समय पर उनका विवाह किया गया, जिसमें कुबेर बृहस्पति समेत कई देवता शामिल हुए। राजा बन जाने के बाद चंद्रवर्मन ने कालचूरी राजाओं को पराजित कर कालिंजर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कालिंजर को ही केंद्र बनाकर आसपास के इलाके पर अपना अधिपत्य किया। फिर चंद्रवर्मन अपनी पत्नी और माँ हेमावती के साथ खजुराहो आया। यहाँ उसने भांडे यज्ञ संपन्न कराया। 85 वेदियाँ बनवाई गईं और उन्हीं के पास कुएं बनाए गए, जिनमें घी भरकर रहटों की सहायता से वेदियों तक पहुँचाया गया। फिर कुछ समय के अंतराल से इन्हीं यज्ञ वेदियों को जगती बनाकर यहाँ 85 मंदिर बनवाए गए। यज्ञ के बाद चंद्रवर्मन खजुराहो से महोबा की ओर गया और महोबा को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगा। इस कहानी में बताया गया है कि चंद्रवर्मन ने ही खजुराहो में पूरे 85 मंदिर, बाग बगीचे, ताल तलैया बनवाए थे, लेकिन इन्हें देखकर आज ऐसा लगता है कि मंदिरों का निर्माण बाद के राजाओं ने कराया था, क्योंकि इनकी स्थापत्य और शिल्पकला कुछ कुछ अलग है, साथ ही मूर्तियों के समूहों में भी भिन्नता देखने मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।